संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुत्व दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है, और इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प, ये हर भारतीय का सपना है, लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में इस देश के बड़े बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था, और सबके सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग अलग भूभाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुत्व दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि
लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।